त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के चुनाव के लिए विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसमें जिला परिषद सदस्यों में 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी संघ समर्थक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं जिला परिषद भाग संख्या 10 से महिला उम्मीदवार प्रिया सिंह चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जितना विकास होना था वो हुआ नहीं, मतदाताओं के अनुसार यहाँ काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों का संपूर्ण विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। क्षेत्र में पानी बिजली के साथ सड़क पानी निकासी की समस्या है, जिसका समाधान सबसे पहले किया जाएगा। देखिए, क्षेत्र का विकास करें, पहला मेरा उद्देश्य यही है। जहाँ तक सके जनता के लिए हम सेवा हमेशा करने के लिए तत्पर रहेंगे और करेंगे, यही मेरा एक लक्ष्य है। जहाँ तक हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा मेरे से बन पड़ेगा, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उत्थान के लिए उतना ही कार्य करेंगे। क्षेत्र में से कौन सी कमी नज़र आ रही है आपको अभी? क्षेत्र में पूरी कमी ही कमी है। कमी अगर गिनाना शुरू करेंगे तो शायद अभी बहुत टाइम लग जाएगा। कमी सबसे बड़ा कमी की इंसान के लिए एक, जो सबसे बड़ा उनका एक हक होता है, बिजली पानी सड़क आवास, ये सब सबसे पहले तो सभी। हमारे क्षेत्र में पानी की इतनी ही ज़्यादा मतलब असुविधा है कि मैं इसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकती हूँ। अभी गर्मी का सीजन है, हर जगह प्रॉब्लम हो रहा है। रोड तो पूछिए ही मत, कितना खस्ता हाल है रोड का। और फिर बेरोजगारी की समस्या तो खैर हर जगह है, तो बेरोजगारी पे तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, लेकिन जो लोगों का हक है बिजली पानी